हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा क्लास सेकेंड में आपका इंग्लिश में चैप्टर नंबर सेवन, चैप्टर नंबर सेवन आयशा और शिव और सेली। ठीक है, आयशा चैप्टर नंबर सेवन आपका आयशा और शिव, आयशा और शिव ए सेली ए यस ए आई यस ए आई सॉरी यस ए आई यस ए आई एल आई यस ए आई एल आई एन जी आयशा आसिफ और सेली। ठीक है, आयशा आसिफ मैंने एक जो है जहाज को, शिप मीन्स पानी का जहाज होता है, उसे देखा ऐसे में, यानी कि तैरते हुए। ठीक है, मैंने पानी के जहाज जो है तैरते हुए देखा। ये बेटा आपका आर्यन स्टीवेंसन के द्वारा राइट किया गया पोयम है आयशा आसिफ और सेली, ए सेलिंग ऑन द सी एंड इट वाज डीपली लेडेन विद प्रीटी थिंग्स फॉर मी। ठीक है, देयर वेयर टॉफी इन द केबिन एंड एप्पल्स इन द होल्ड, द सेल्स वेयर मेड ऑफ सैटिन एंड द मास्ट्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, द कैप्टन वाज डक विथ अ पैकेट ऑन हिज बैक एंड व्हेन द शिप बिगेन टू मूव द कैप्टन सेड क्वैक क्वैक। ठीक बेटा, ये आपका पोयम है, उसको जो है अच्छी तरह से बता दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। और आज जो है हम सीखे आपका ये दिया हुआ आपका कंपल्सरी चेकअप, कंपल्सरी चेकअप पे आपका पेज नंबर 34 पे स्टेशन का दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो पढ़ेंगे हम पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे इसका कंपल्सरी चेकअप दिया है और इसमें दिया है आपका पहला ए कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों को जो है पूरा कीजिए, वाक्यों को पूरा कीजिए। COMPLETE complete the complete the sentences SENTENCES complete the sentences, वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला आता है द बॉयज आर The boy saw a field of lights. ठीक बच्चों, कहा द बॉय saw a, यानी कि लड़के ने जो है एक देखा, लड़के ने बॉय लड़का saw means देखा, a means a। ठीक है, लड़के ने देखा क्या देखा बेटा, सिर्फ एक जहाज, लड़के ने एक जहाज देखा ऐसे, यानी कि उसे तैरते हुए जहाज जो है तैरते हुए देखा था। क्या हो जाएगा, द बॉय सा और सिप, द बॉय सा और सिप ए सेली एस ए आई एल आई एल जी, ये हो जाएगा द बॉय सा और सिप और सिप, लड़के ने एक जहाज जो है तैरते हुए सेलिंग करते हुए उसे, ठीक है, देखा। सेकेंड आपका द शिप है, द शिप हैड किंगडम ब्लैंक्स, द शिप है फिल द ब्लैंक्स का उपयोग में आप देखेंगे यहां पर लिखा है इट इज इट एंड इट वॉज डीपली लेडेन। ठीक है, आयशा आसिफ सेलिंग मैंने तैरते हुए नाव को देखा, आई सेलिंग ऑन द सी और समुद्र पे जो है तैरते हुए उसे देखा, एंड इट वॉज डीपली लेडेन और जो है
पूरी तरह से, ठीक है, इतना हो सकता है अधिक से अधिक भरा हुआ था विथ प्रीटी थिंग्स फॉर मी, मेरे लिए अच्छी या सुंदर चीजों से वह जो है जहाज पूरी तरह से भरा हुआ था, ठीक है। तो वही अब तक क्या गया है, द सिप है, सिप में उठा क्या था, प्रीटी थिंग्स यानी सुंदर, प्रीटी मीन सुंदर, थिंग्स मीन वस्तुएं, ठीक है, उसमें जो है सुंदर वस्तुएं थी। द सिप है प्रीटी, पी आर ई डबल टी वाई, प्रीटी थिंग्स, प्रीटी थिंग्स, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका जहाज जो है प्रीटी थिंग्स सुंदर वस्तुएं थी, उसे भरी हुई थी। थर्ड है आपका द टॉफी वेयर इन द टॉफीज, टी ओ डबल एफ डबल टी ओ डबल एफ डबल टी एस टॉफीज, द टॉफीज वेयर इन द, वेयर इन द टॉफीज वेयर इन द ब्लैंक्स, द टॉफीज वेयर इन द ब्लैंक्स, यानी जो टॉफियां थी पोएम देखते लास्ट सेकंड सुझा, देयर वेयर टॉफीज इन द केबिन, केबिन जो केबिन, देयर वेयर टॉफीज इन द केबिन, टॉफियां जो थी कहां थी बेटा, केबिन में थी। केबिन क्या होता है, केबिन किसे कहते हैं बेटा, बताया गया है ए रूम इन अ शिप, यानी कि जहाज में, शिप में जो है एक कमरा, शिप में एक कमरा होता है उसे क्या कहते हैं, केबिन, क्या कहते हैं बेटा, केबिन, ठीक है। तो टॉफियां जो है कहां थी, केबिन में थी, टॉफियां केबिन में थी, देयर वेयर टॉफीज इन द केबिन एंड एप्पल्स इन द होल्ड, और एप्पल जो है होल्ड यानी कि पकड़े हुए थे, होल्ड में थे, होल्ड में रखे हुए थे। ए पार्ट ऑफ शिप वेयर थिंग्स आर केप्ट, होल्ड मींस क्या होता है, ए पार्ट ऑफ शिप, एक जहाज का एक भाग, वेयर जहां थिंग्स आर केप्ट, जहां जो है वस्तुएं अच्छी तरह से रखी जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। तो यहां से कहा जाता है देयर वेयर द टॉफीज वेयर इन द केबिन, सी ए बी आई एन, सी ए बी आई एन, ठीक बच्चों, देयर वेयर टॉफीज, देयर वेयर टॉफीज इन द केबिन, या द टॉफीज वेयर इन द केबिन, या आपका थर्ड होगा सी ए बी आई एन। नेक्स्ट आपका फोर्थ बेटा, द कैप्टन से है, द कैप्टन सी ए पी टी ए आई एन, सी ए पी टी ए आई एन, सेड, द कैप्टन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्वाइट, क्यू यू ए सी के, क्यू यू ए सी के क्वाइट, कैप्टन सेड क्वाइट व्हेन द शिप बिगेन टू, व्हेन द शिप बी जी ए एन बिगेन टू इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों। यहां कह रहा है कि द कैप्टन सेड क्वाइट, कप्तान, कैप्टन मींस कप्तान, ठीक है, कैप्टन से यानी कप्तान ने कहा, कप्तान ने कहा क्वाइट, ठीक है, क्या कहा बेटा, क्वाइट, व्हेन जब द शिप बिगेन टू, जब जो है जहाज शुरू किया, तो जहाज शुरू किया क्या क्या बेटा, शुरू चलना शुरू किया, जब जहाज जो है चलना शुरू किया तब कैप्टन ने क्या कहा, क्वाइट। यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, द कैप्टन वॉज ए डक, कैप्टन कौन था, एक डक था, एक बत्तख, ठीक है, द कैप्टन वॉज ए डक, कैप्टन एक बत्तख था, विथ अ पैकेट ऑन हिज बैग, और उसके पीछे बैग पर पीठ पे जो एक क्या था, पैकेट था, एंड व्हेन द शिप बिगन टू मूव, एंड व्हेन द शिप बिगन टू मूव, और जब जहाज ने चलना शुरू किया, जहाज ने चलना शुरू किया, द कैप्टन से, तब जो है कैप्टन ने कहा, कप्तान ने कहा क्वाइट क्वाइट, ठीक है, तब क्या होगा, व्हेन द शिप बिगन टू
समझ गया बेटा। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, क्वाइट व्हेन द शिप बिगन टू मूव, यानी कि जब जहाज ने चलना प्रारंभ किया, शुरू किया, तो कप्तान ने क्या कहा बेटा, क्वाइट। ठीक है, इस तरह से जो है कंप्लीट द सेंटेंस व्यापार, ए में आपका फोर द ब्लैंक्स थे, इसे आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं ग्रामर यूनिट में सी, ग्रामर यूनिट में करिए आपका सी, बी आपका क्वेश्चन आंसर है, इसे आप होमवर्क बुक दिया करने के लिए। आपका डू यू नो द लेटर्स, डू यू नो एल पी डब्ल्यू डी ई आर एस लेटर्स, डू यू नो द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, ऑफ द एल पी एच ए अल्फाबेट इन देयर राइट ऑर्डर, इन देयर राइट राइट ऑर्डर ओ आर डी ई आर। ठीक है बेटा, कार डू यू नो द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन देयर राइट ऑर्डर। ठीक है, क्या आप जानते हैं अल्फाबेट के लेटर्स को जो उनका अपने जो है राइट ऑर्डर में होते हैं, उन्हें आप जानते हैं? तो यहां पे आपने पहला पढ़ा है विच लेटर कम्स आफ्टर टी, फर्स्ट क्वेश्चन था विच लेटर कम्स आफ्टर। ठीक है, विच लेटर कम्स आफ्टर टी, यहां पर फिल द ब्लैंक्स है, यहां पर क्या आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहां सबसे पूछा जा रहा है विच लेटर कम्स आफ्टर टी, यानी कि कम्स आफ्टर मतलब के बाद आता है। ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद में, कम्स मीन्स आता है, यानी कौन सा लेटर जो है, कौन सा अक्षर जो है आपका अल्फाबेट में टी के बाद आता है। ठीक है, टी के बाद, तो बेटा आप जानते हैं आर एस टी यू क्या था आपका, आर एस टी के बाद आपका यू, समझ रहे हैं अल्फाबेट में। ठीक है, तो टी के बाद क्या आता है बेटा आपका, यू आता है। टी के बाद क्या आता है, यू, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू हो जाएगा। ठीक है, विच लेटर कम्स आफ्टर टी, तो आप कहेंगे बेटा यू, बेटा पता है आप आर एस टी के बाद आपका यू आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेटा, सके विच लेटर कम्स बिफोर, विच लेटर कम्स बिफोर, विच लेटर कम्स बिफोर आर, आर आर बेटा क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स बिफोर आर, यानी कि विच लेटर कम्स बिफोर, कम्स मीन्स आता है, बिफोर मीन्स पहले, आर के पहले, आर के पहले जो है कौन सा लेटर आता है, आर के पहले कौन सा लेटर आता है, वो आपको लिखना है विच लेटर कम्स बिफोर आर। तो बेटा अल्फाबेट में देखेंगे आपको क्या होगा बेटा, आर से पहले पी क्यू आर आ जाते हैं ना, इसे पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। ठीक है, एबीसीडी करेंगे, एबीसीडी अब यह चाहिए कि पी, तो पी क्यू आर आता है, तो आर से, आर से क्या, ये आर से पूछ रहा है, आर का पूछ रहा है, आर से पहले, आर से पहले क्या है,
क्या होता है आपका क्यू, आर के पहले क्या आपका क्यू आता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप क्यू लिखेंगे, आर के पहले आपका क्यू आता है, समझ गए, तो इसे आप क्यू लिखेंगे। विच लेटर कम्स बिफोर आर, आर के पहले क्या आता है आप कहेंगे क्यू। थर्ड अंक आपका विच लेटर, विच इज द लास्ट लेटर, विच इज द लास्ट लेटर, विच इज द लास्ट लेटर, WHICH, विच इज द लास्ट लेटर, यानी अल्फाबेट बेटा आपका लास्ट लेटर क्या है, लास्ट अक्षर, ठीक है, लास्ट लेटर कौन सा होता है उसे आपको राइट करना है। तो आप जानते हैं बेटा आपका जो फर्स्ट लेटर है आपका ए होता है और लास्ट आपका क्या होता है बेटा जेड, क्या होता है जेड होता है, विच इज द लास्ट लेटर, तो आप कहेंगे जेड, यहां से जेड लिखेंगे। फोर्थ है आपका राइट द मिसिंग लेटर्स, राइट द मिसिंग लेटर्स, राइट द मिसिंग लेटर्स, आपको जो है मिसिंग लेटर जो यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं उसे आपको लिखना है, जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं मिस किया गया लेटर्स को, उस लेटर्स को आपको राइट करना बेटा, राइट करना। मिसिंग लेटर्स में आपको देखिए बेटा पहले दिया है आपका फिल द ब्लैंक्स है, उस पर आर है, फिर फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, यू फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप अल्फाबेट में देखेंगे आर से पहले, आर से पहले क्या आता है बेटा, आर के पहले आपको बताया बिफोर आर, कम्स बिफोर आर, तो क्या आपका आता था क्यू, तो यहां से पहले लिखेंगे क्यू, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है, क्यू के बाद क्या हो जाएगा आपका आर, अब आर के बाद यस, क्यू आर यस, यस लिखेंगे क्यू आर यस, इसके बाद आपका है टी, क्यू आर एस टी, टी लिखेंगे, टी के बाद आपको बेटा यू दिया ही है, ठीक है, टी के बाद यू आपका दिया है, क्यू आर एस टी यू, यू के बाद भी आर एस टी यू भी हो जाएगा, ठीक है, भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या होगा बेटा आर एस क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है, क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू, इस तरह से आप जो है मिसिंग लेटर फाइंड करेंगे। एंड फिफ्थ बेटा आपका फिफ्थ क्या है, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट इन अल्फा बेटिकल ऑर्डर, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे राइट करना है, वाई आर डी बेटा, वाई आर डी, तो वाई आर डी क्या है, वाई आर डी ये आपका है, एक सबका है एक्स बी ओ, एक्स बी ओ, एक्स बी ओ दिया है, एन टी ए लास्ट मेरा एन टी ए, एन टी ए, ठीक
ठीक बच्चों, ये आपका दिया हुआ है कहा कि राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डी आएगा, फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा। अब हम कब देखेंगे, सबसे पहले डी, उसके बाद आर, उसके बाद वाई, ड्राई, क्या हो जाएगा, ड्राई, डी आर वाई। उसके बाद आप देखेंगे बेटा इसको एक्स से वियोग करेंगे तो सबसे पहले आपका अल्फाबेटिकल लेटर में आपका ऑर्डर में आपका बी आएगा, बी आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद एक्स आएगा बॉक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको बी ओ एक्स बॉक्स जाएगा। लास्ट में आपका सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद टी आएगा, और ऑर्डर में आपका हो जाएगा एन, क्या होगा बेटा एन। समझ गए, इस तरह से आप ये ग्रामर यूज में कट सी, डू यू नो द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन देयर राइट ऑर्डर, ये आप जो है कंप्लीट करेंगे। आइए जो है होमवर्क लेते हैं बेटा। बी है बेटा आपका आंसर द फॉलोइंग या फोर डबल एल डबल आई डी फॉलोइंग क्वेश्चन क्यू यू टी एस टी आई ओ एन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका व्हाट वाज इन द होल, what was in the hold, what was in the hold of the ship, ठीक है, ship के जहाज के hold में क्या था, ठीक है, लिखना आपको। second है what were the sails, what were the sails, yes, ILS, what were the sails and the mains and the mast, M-A-S-T-S, made of, M-A-D-E, made of, ठीक है, what were the sails and the mast made of, the sails or mast जो है किससे बने होते हैं, यह करेक्ट करना है। थर्ड बेटा हु वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, हु वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, हु वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज का कप्तान कौन था। एंड लास्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डिड द कैप्टन से, व्हाट डिड द कैप्टन से, यानी कप्तान जो है क्या कहता है, क्या कहता था, ठीक है, कप्तान क्या कहता था, व्हाट डिड द कैप्टन से, कप्तान क्या कहता था, ये आपको जो है फोर क्वेश्चन जो बेटा ये आप जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। जो फोर क्वेश्चन दिए गए हैं आप इसे बेटा होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको इसके आगे बताया है वर्ड्स स्पोकन इन द सेम वे, डी आपका दिया गया द ब्लैंक्स चूजिंग अ पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।